हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पैराडाइज कंप्यूटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर के रिजल्ट को लेकर। जो न्यूज आ जा रही है यूट्यूब पे आया जा रहा है, किसी किसी वेबसाइट पे आया जा रहा है कि बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट है वह 24 मार्च को आएगा जैसा कि आया है, वो सारा वीडियो में बताऊंगा और कैसे चेक करना है वो भी स्टेप मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले बता देता हूं कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है। मैं रिजल्ट चेक करने का मैं आपको दो तरीका बताऊँगा, चलिए कैसे चेक करते हैं वो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम ऑनलाइन तरीका बताने वाले हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया हाउ टू चेक बिहार बोर्ड 12th रिजल्ट 2021 ऑनलाइन। ऑनलाइन चेक करने का जो रिजल्ट का माध्यम है, चाहे वो आर्ट से हो या साइंस हो या कॉमर्स हो, उसका रिजल्ट चेक करने का मैं आपको 9 स्टेप में बताने वाला हूँ। पहला स्टेप क्या है कि आपको क्या करना है, आपको बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.biharboardonline.bihar.government.in पे आपको आ जाना है। इसको आने के बाद जो है सेकेंड स्टेप आपका आता है कि ऑन द होम पेज क्लिक ऑन द रिजल्ट। जैसे उसका होम पेज में आपको रिजल्ट वाले टैब पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप रिजल्ट वाले टैब पर क्लिक करते हैं तो तीसरा स्टेप आता है। तीसरा स्टेप क्या आता है, आपको 12th रिजल्ट पे क्लिक करना है। रिजल्ट वाले ड्रॉप डाउन में आपको ये ऑप्शन दिखेगा 12th रिजल्ट का, सिंपली आपको उस पर क्लिक करके वहाँ पे आ सकते हैं। और चौथा स्टेप आपको क्या है कि वहाँ रिजल्ट वाले पे आने के बाद वहाँ ऑप्शन दिखेगा ईयर, उसमें 2021 आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रोल नंबर फिल करने का, तो रोल नंबर फिल कर देंगे, रोल कोड फिल करेंगे और जिस स्ट्रीम से है, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, जिस भी स्ट्रीम से, उस स्ट्रीम को आपको क्या कर देना है, सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे एक सबमिट का बटन आएगा, वो आपको सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देंगे तो लास्ट स्टेप आता है, जो आपका रिजल्ट आपको स्क्रीन पे शो कर जाएगा। सिंपली आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं। ये तो होगा पहला तरीका जो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है जो आप ऑफलाइन चेक कर सकते हैं, वो भी थ्रू SMS के द्वारा, यानी SMS के द्वारा आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको 3 स्टेप अपनाना होगा। पहला स्टेप कि आपको मैसेज बॉक्स खोलना है, उसमें आपको टाइप करना होगा BR12 और स्पेस देख के रोल नंबर आपको टाइप कर देना है। इसके बाद क्या करना है, उसको इस नंबर पर सेंड कर देना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है 56263, इस नंबर पर आपको क्या कर देना है, इसको सेंड कर देना है। सेंड करते ही आपका रिजल्ट वहाँ पर शो कर जाएगा, आप उसको सेव कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा तरीका। अब हम बात करने वाले हैं कि जो 24 मार्च को रिजल्ट आया है, तो वो भी नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ कि 24 मार्च को यही रिजल्ट आने वाला है। जैसे यहाँ पे दिया गया है बिहार बोर्ड 12th रिजल्ट डेट एंड टाइम, ये सारा जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, कब प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ, कब थ्योरी का एग्जाम हुआ, कब रिजल्ट का डिक्लेरेशन होने वाला, वो सारा मैं आपको इसमें बता देता हूँ। पहला दिया गया है कि बिहार बोर्ड 12th प्रैक्टिकल एग्जाम जो जनवरी में ही कम्प्लीट हो चुका है, यहाँ पे शो कर गया। और जो है थ्योरी का एग्जाम जो है 1 फरवरी से 13 फरवरी तक चला था। और तीसरा स्टेप में दिया गया है कि बिहार बोर्ड साइंस रिजल्ट जो है, साइंस का जो रिजल्ट है 24 मार्च को ही आने वाला है 6:40 पे, वो भी टेंटेटिव यहाँ दिया गया है। और कॉमर्स का भी रिजल्ट भी दिया गया है यहाँ पे 24 मार्च को, और यहाँ आर्ट्स का भी रिजल्ट दिया गया है 24 मार्च को। यानी हम कहें तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन ऑफ स्क्रूटनी रिजल्ट, उसके बाद जो स्क्रूटनी का जो भी एग्जाम होगा या उसका जो रिजल्ट आएगा, वह जो है मई के 2nd वीक में आने वाला है। इस तरह आपने देखा कि यहाँ पे जो है 24 मार्च को जो है बिहार बोर्ड 12 का साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का जो है रिजल्ट आने वाला है, जैसा कि मैंने आपको लाइव प्रूफ बता दिया है। इस तरह कोई भी नई जानकारी आती है तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।